गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट तो किया ही था। उसमें हमने मेथड जो किए थे वो हमने दो मेथड आपको बताया था, एक तो एलिमिनेशन मेथड बताया था और सेकेंड मेथड आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो फोर्थ मेथड है, और जो आपका फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड था वो उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है और लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे इस, चलो इसको देखते हैं। तो यहां से लेट a1x एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो बी पेयर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं वो देखना है, ठीक है ना। तो क्या करना, बहुत आपको इजी टाइप से मैं बताऊंगा, इजी मेथड से इसको कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स है ना, उसके बाद में यहाँ पे आपको वाई लिखना है और यहाँ पे आपको वन लिखना है, ओके। फिर उसके बाद में डिवाइड का साइन अप्लाई करेंगे, ये आपका हो गया और ये हो गया। अब देखो करना क्या है, जो आपको फाइंड करना है ना एक्स, एक्स के अपॉन में क्या करना होगा, आपको लिखना होगा यहाँ, ये आपका आ जाएगा बी वन, फिर उसके बाद में आ जाएगा बी टू, फिर यहाँ पर लिखेंगे सी वन सी टू, उसके बाद में फिर आपका सर्कुलर आ जाएगा ए वन और यहाँ से आ जाएगा ए टू और लास्ट में फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा बी वन बी टू। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको क्या करना है, बी वन बी टू से स्टार्ट करना है, फिर सी वन सी टू ए वन ए टू और बी वन बी टू, है ना। अब इसको लेना कैसे है इसको देखेंगे। देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव के साथ साइन के साथ इसको लेना होगा, उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साइन के साथ इसको लेना होगा और उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन के साथ हमें इसको लेना होगा। बहुत इजी मेथड है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं इसको। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा वाई। अब हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अब देखो सर्कुलर रीजन में चल, ये सर्कुलर टाइप में चलता है ना, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन और इधर आ जाएगा वन अपॉन, ये आपका आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है ना, माइनस ए टू बी वन हो गया। तो फिर से एक बार समझ लीजिए क्या करना है, आपको इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगी और लिख करके आएगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, एक्स फिर उसके बाद में वाई और वन, ये बी वन बी टू, आपको क्या करना है, वाई के कोफिशिएंट लेने हैं दोनों में, फिर उसके बाद में कॉन्स्टेंट टर्म को लेना है, उसके बाद में एक्स के कोफिशिएंट को लेना है और फिर हमको क्या करना है, वाई के कोफिशिएंट को यहाँ पर लेना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या फर्स्टली क्या करेंगे, इस तरीके से एरो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये आपका सिंपल लगेगा क्योंकि ये बाद में करना है आपको, इस तरीके से नोटेशन है। आप चाहे इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे आप इस करेंगे टाइप से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेना होगा। तो एक्स के अपॉन में क्या आ जाएगा, बी वन सी टू माइनस क्या हो जाएगा, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इजक्व टू वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इजक्व टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, अब देखो बेटा क्या करना है, अब हमें फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर को टेक करना होगा क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टेक फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, है ना। तो एक्स अपॉन ये आपका आ जाएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन वन अपॉन और ये आपका कितना है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन यहां से आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है ना। तो ये आपकी बेटा एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है कि वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक
टेक सेकेंड सेकेंड एंड लास्ट मेंबर, लास्ट मेंबर तो आ जाएगा वाई अपॉन, वाई अपॉन ये आ जाएगा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, है ना, ये आपका आ जाएगा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इज इक्वल टू, यहां से बेटा कितना है वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, माइनस ए टू बी वन, है ना। अब आपको क्या करना है वाई की वैल्यू फाइंड करना है, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, है ना। तो यहां से जो बेटा वाई आएगा वो कितना हो जाएगा, यहां से सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, है ना, ए टू बी वन थोड़ा सा ये बेटा आपका क्या है क्या हुआ छोटा सा अच्छा अच्छा अब देखिए बेटा इसको अब देखिए क्या है y आपको फाइंड करने के लिए क्या होगा, अब जो अपॉन है ना वो उधर आपके वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा यहां से c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई और अपॉन में आपका आ जाएगा a1 b2 बी टू माइनस ए टू बी वन, है ना। तो आपको क्या हुआ x और y की वैल्यू आपने इजिली फाइंड कर पाए कि किस तरीके से इस मेथड को हम लोग मतलब किस मेथड से किस टाइप से इसको हम समझ सकते हैं वो आपको बता दिया गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस मेथड का यूज हम लोग एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है ना। अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आई होप आपके समझ में आया होगा, लेकिन अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो अभी हम लोग बिल्कुल जब उसको लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये बेटा आपका है बी वन, ठीक है ना। सही चलेगा, चलो ठीक है ना बेटा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है सॉल्व बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, सॉल्व बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 8x plus 5y is equal to 9 और 3x plus 2y is equal to 4। तो हम लोग क्या करेंगे इस मेथड को कैसे कैसे अप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उसको देखते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसका जो सोल्यूशन है सबसे पहले आप गिवेन गिवेन दैट 8x plus 5y is equals to 9। अब बेटा आपने अभी क्या देखा, आपने इसमें देखा कि जो 9 आपका इक्वल के साइड में आपको क्या करना है इसको LHS साइड में लेकर के आना है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा 8x plus 5y minus 9 is equals to 0 और इधर आपका कितना है 3x plus 2y is equals to 4, है ना, और यहां से आपका आ जाएगा बेटा ये 3x plus 2y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखो क्या करना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कंपेयर विथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहां से a1 जो आएगा बेटा वो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, जो आपका b1 है वो 5 है और c1 की जो वैल्यू है वो माइनस 9 है। उसके बाद में a2 जो है वो 3 है, b2 आपका 2 है और c2 आपका माइनस 4 है। अब हम लोग जब इसको मेथड को अप्लाई करेंगे तो देखो कैसे करना होगा, क्या लिखा मैंने x y 1, है ना। आप डायरेक्ट रिजल्ट मत यूज करना, इसको प्रोसेस के साथ करना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहां पर, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था यहां पर क्या आ जाएगा b1 b2 फिर उसके बाद में आ जाएगा c1 c2
उसके बाद मैंने बताया था कि ए वन ए टू और उसके बाद में आपका जाएगा बी वन बी टू, ठीक है ना। अब देखो क्या करना, अब देखिए क्या, तो यहां से आ जाएगा x अपॉन बी वन बी टू, तो बी वन बी टू कितना है, फाइव और टू है, तो यहां आ जाएगा फाइव टू, उसके बाद में सी वन सी टू आपका है, साइन के साथ लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, साइन के साथ लिखेंगे बेटा। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका सी वन सी टू, सी वन सी टू के लिए माइनस नाइन और माइनस फोर, ठीक है ना। उसके बाद में ए वन ए टू के लिए कितना आ जाएगा आपका एट और थ्री आ जाएगा, और फिर से आपको क्या करना है बी वन बी टू लिखना है, तो बी वन बी टू अगर आप ये नाइन है तो बी वन बी टू क्या आ जाएगा, फिर से आपका फाइव अपॉन टू आ जाएगा। मैंने रूल क्या बताया, मैंने बेटा रूल आपको बताया कि इसकी मल्टीप्लाई, उसके बाद निगेटिव के साइन के साथ इसको लेना है, इसकी मल्टीप्लाई निगेटिव साइन के साथ इसको लेना है, और इसकी मल्टीप्लाई निगेटिव साइन के साथ इसको लेना है, ठीक है ना। अब देखो, अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है ना। चलिए देखिए, अब इधर आपका आ जाएगा x अपॉन, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू माइनस फोर, है ना, ब्रैकेट यूज करेंगे, बीच में नेगेटिव साइन आपका रहेगा, माइनस नाइन इंटू कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। उसके बाद में y अपॉन, फिर हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस नाइन इंटू थ्री, माइनस आपका वैसे भी आता है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस फोर इंटू एट हो जाएगा। उसके बाद में वन अपॉन, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इधर कितना जाएगा 8 इंटू टू माइनस का 3 इंटू फाइव, ठीक है ना। यहां से आ गया x अपॉन, ये आपका कितना माइनस 20, ये बेटा माइनस माइनस प्लस और 9 टू जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इधर आपका माइनस 27 और इधर माइनस माइनस प्लस 4 8 जा कितना हो गया 32, 1 अपॉन ये 16 हो गया, माइनस 15 हो गया, है ना। तो x अपॉन ये बेटा आ गया आपका माइनस 2, y अपॉन और y अपॉन जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और इधर कितना जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट और लास्ट मेंबर को लेना है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा, फाइनली आपका जो आंसर आएगा है ना, ये बेटा आ जाएगा आपका माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। अब आपको क्या करना है, सेकेंड मेंबर और लास्ट मेंबर को लेना है, तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन 1, तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी है ना, y की जो वैल्यू आएगी बेटा, तो 5 कितना आ गया आपका, जो ये आपका आ गया, तो आपकी जो वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस टू, y इज इक्वल टू 5 आई। आई होप कि आपके मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत इसका सिंपल प्रोसीजर है, बस आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से B1, B2, C1, C2, A1, A2 और B1, B2 को लेना है, और सिंपल आपको क्या करना है, एरो लगा के मल्टीप्लाई करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, मैंने लिख भी दिया है 4 इंटू 5 इंटू माइनस 4 माइनस, फिर आपका क्या माइनस 9 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मैथड, पूरे चारों मैथड मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से मैथड, ग्राफिकल भी बता दिया आपको, और आपका एलिमिनेशन भी हो गया, सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपके पेपर में आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। चलो अच्छा, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जब पेपर टफ आएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान देंगे। कह रहे हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। आपको बताया गया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, जब मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था कि x और y की ऐसी वैल्यूज
जो दोनों इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाइड करें तो वो उसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। यहां से आपने देख पा रहे होंगे कि आपकी जो इक्वेशन है वो है वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू माइनस सेवन, है ना। इसमें पहली बात तो एक्स की बात नहीं की गई है ना, तो एक्स की बात नहीं की गई है, लेकिन इसमें वाई की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को, मतलब वाई इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू माइनस सेवन एक्चुअली अपने आप में वैल्यूज लिखी गई है, लेकिन इसमें वाई की कोई ऐसी वैल्यू हमको नहीं मिलेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वाई को जीरो करेंगे तो फिर ये फेल कर जाएगा। अगर हम इसमें माइनस सेवन, जैसे मैंने कहा ठीक है वाई इज इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन होगा, सपोज दैट मान लेते हैं, लेट अस दैट, तो इसमें अगर जीरो, ये तो सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन जीरो इज नॉट इज इक्वल टू माइनस सेवन। लेकिन आपने क्या पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब दोनों इक्वेशन को एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर बेटा आएगा वो नो सोल्यूशन आएगा, कोई भी सोल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं इसमें कहा गया है, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, इन्होंने बताया द पेयर ऑफ इक्वेशंस एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई, एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी, है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच पैरेलल लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग एट बी कॉमा ए, कोइंसिडेंट होंगी और इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो हम लोग इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। हम लोग जब इसकी बेटा ट्रेसिंग करेंगे तो बहुत आसान है। देखो अब बेटा x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी अननोन है, x आपका क्या है, x इज इक्वल टू ए मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है x आप, अब x एक्सिस पे ही होगा, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया ना। तो कहा क्या कहा गया आपके, x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या, मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूं। जैसे मैंने x इज इक्वल टू टू लिखा तो x इज इक्वल टू टू का मतलब बेटा ये टू है, मैंने मान लिया है ना, x यहां पर टू है, तो लाइन कैसी बनेगी अब ध्यान देना है। अब मैंने कहा अब आप कैसे वैल्यूज को लिखते हैं, देखो बेटा क्या है, मैंने लिखा x प्लस जीरो इंटू वाई इज इक्वल टू टू। अब आप क्या करेंगे, y की कोई भी वैल्यू लेंगे, y की कोई भी वैल्यू लेंगे, बहुत आसान, बहुत ध्यान से समझे, y की कोई भी वैल्यू लेंगे x ऑलवेज क्या मिलेगा, टू मिलेगा, है ना। तो मैंने कहा ठीक है y को मैंने वन ले लिया, वाई को वन ले लिया तो भी एक्स टू मिलेगा। देखो ध्यान से, एक्स टू वाई क्या है, टू। अब उसके बाद में वाई को मैंने थ्री ले लिया तो भी आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर मैं y को 4 ले लूंगा तो भी 2 मिलेगा, y को -1 लेने पे भी क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा -2 लेने पर। तो इसका मतलब एक सिंपल आपकी क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, तो व्हिच इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। तो इसी का इसका मतलब होता है कि अभी एक नोट भी आपको लिखाएंगे, तो x = a का मतलब है कि इस तरीके से लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, है ना, व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि आप क्या करेंगे y की कोई भी वैल्यूज लेंगे, y की कोई भी वैल्यूज लेंगे x ऑलवेज कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, है ना। तो उस केसेस में एक लाइन आ जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। इसी तरीके से y = b, तो y = b अननोन है, b आपको पता नहीं कि v1 है 2 है 3 है 4 है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी इसको भी हम लोग समझेंगे, है ना, इस टाइप से इसको भी समझेंगे। जैसे मैंने ले लिया यहां पे, जैसे ये वाला ग्राफ ले लिया है ना, इसको लिया, अब क्या क्या y = मैंने कहा ठीक है y को मैंने मान लिया -1 ले लिया, y को मैंने कुछ भी ले सकते हो क्योंकि अननोन है समझने के लिए, तो यहां पर y बेटा कितना है -1 है, तो y को माइनस, अब आप क्या करेंगे x की कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे x को मैंने 0 ले लिया तो भी आपका -1 आया, x को मैंने 1 ले लिया तो भी -1 मिलेगा, x को 2 ले लिया तो भी -1 मिलेगा। अब आप कहेंगे हम x तो इसमें है ही नहीं, x है तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू -1, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वाई तो एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो ये तो टर्म जीरो करता चला जाएगा, तो इसका मतलब है ऑलवेज आपको, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, अब अप एंड डाउन कुछ कहीं पर, तो मैंने कहा ठीक है बी ए हो गया आपका, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। अब इन्होंने बताया कि ये कैसी लाइंस होंगे, अब आप देख सकते हैं दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज वाई इज इक्वल टू बी, है ना। आप थोड़ा सा इसको, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनालिसिस के साथ आपको बताया जा रहा है,
तो ये जो पॉइंट आया ना, हमने बताया था सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो लाइन कहां पर इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है ना। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, ए है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, बी है। तो जो पॉइंट आएगा वो ए कॉमा बी हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए है ना, अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसका मतलब एक्स इजिकल्स टू ए, वाई इजिकल्स टू बी, अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं लाइन्स, विचार कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्ट, सबसे कहा गया पैरेलल, तो पैरेलल तो है नहीं क्योंकि ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को ए कॉमा बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो पैरेलल लाइंस तो है नहीं। फिर हमसे कहा गया इंटरसेक्टिंग एट बी कॉमा ए, तो इंटरसेक्ट को कर रही है, लेकिन इन्होंने कहा कि बी कॉमा ए पे इंटरसेक्ट कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है, किस पॉइंट पे कर रही है, ए कॉमा बी पे कर रही है ना। तो इसका मतलब आपको इंटरसेक्टिंग एट बी कॉमा ए हो गया। उसके बाद इन्होंने बताया कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मैंने बताया था कि दोनों की दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जाएं, है ना, बिल्कुल ओवरलैप करें, तो ओवरलैप करने का मतलब है वो कोइंसिडेंट, ओवरलैप तो करना ही नहीं है। फिर कहा गया कि इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी, बिल्कुल सही है कि ये दोनों लाइन क्या कर रही है, ए कॉमा बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, डी सही हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आई होप समझ में आया होगा कि आपको पूरी तरीके से डिस्कस किया गया इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे कैसे अलग अलग तरीके के केस बन सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर मैंने क्या किया, यहां पर जैसे मैंने ले लिया x इक्वल्स टू 2 ले लिया और y इक्वल्स टू 4 ले लिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो इसमें तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मेरी बात हमेशा याद रखना है, ए लाइन क्या होती है, एक नोट लिख लीजिए, है ना, मैं यहां पर लिखता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। उसके बाद में दूसरा नोट है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, दो केस बेटा बनते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस को इक्वेशन होती है वो बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, के कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, के इज एनी रियल नंबर, क्या लेंगे बेटा, एनी रियल नंबर, के आपका कोई भी क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, है ना, इज एनी रियल नंबर। उसके बाद क्या गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट इसमें के, अब आपका के सेम तो हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप चाहो तो या इसको के वन के टू कर लो या इसको सी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आप याद रखेंगे हमेशा, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये हमेशा सी कॉमा के पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ऑलवेज, है ना। तो दीज लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट सी कॉमा के, है ना, सी कॉमा के। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आज हुआ है, एक क्वेश्चन हमेशा आएगा इसमें, इस सी कॉमा के, है ना, क्या हो गया आपका सी कॉमा। हाँ, सी कॉमा के, ठीक है ना, ये बात आप याद रखना अच्छे से। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आते हैं, वाह वाह क्वेश्चन, एक मिनट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर इसको करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था यहाँ पर आपका, एक मिनट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे भी, क्योंकि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। कह रहे हैं क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, कह रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, कोई भी फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है, कब हो जाता है, जिफ इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ हाउएवर 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। बहुत ध्यान से समझे, प्रॉब्लम भी स्टूडेंट्स को होती है ऐसे क्वेश्चंस में, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे तो भी आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन इसमें बनानी है। तो इन्होंने बताया कोई भी फ्रैक्शन, अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फ्रैक्शन कब फॉर्म होता है। फ्रैक्शन तब फॉर्म होता है जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट किया जाता है। द नंबर्स विच इज राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, इज कॉल्ड क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, इज कॉल्ड रेशनल नंबर, या फिर हम उसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं, है ना। तो अब चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में बताता हूं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे लेट न्यूमरेटर, मैंने न्यूमरेटर को ले लिया मैंने एक्स, और बेटा डिनोमिनेटर को ले लिया वाई, है ना। तो यहां से जो फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फ्रैक्शन अपना कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, ओके। अब आप आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। कोई भी फ्रैक्शन केस नंबर वन, ध्यान, दो केस में बताया गया है। इन्होंने बोला फ्रैक्शन जो है वो 4/5 बन जाता है। कब हो जाता है 5/4? इन्होंने बताया कि 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को प्लस कर दें, है ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2 आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, इन्होंने बताया 2, इन्होंने बोला कि इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को प्लस कर दिया जाए तो आपको जो फ्रैक्शन निकल के आता है वो कितना आता है, 4/5 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 * बेटा आ जाएगा एक्स प्लस 2, और इधर 4 * कितना हो जाएगा आपका, वाई प्लस 2। तो यह आ जाएगा 5x + 10 = 4y + 8, है ना। अब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो 5x, अब 4x 4y आपका इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -4y = 8 आपका अपनी पोजीशन पे रहेगा और 10 उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4y = -2, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर ले तो -2, तो पहली इक्वेशन बेटा आपकी ये आ गई, पहली इक्वेशन है। अब आप क्या करेंगे, स्मार्टली काम करना है। तो आप देखेंगे कि जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं क्या उसमें ये इक्वेशन किसी ऑप्शन में है, तो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। आप देखो कि जो पहली ये आपके सही नहीं है, टिक में सही का नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। इसमें क्या किया गया, इक्वेशन है 5x - 4y + 2 = 0 और 5x - 2y + 2 = 0। 5x - 4y + 2 = 2, इसका मतलब है कि जो आपने 5x - 4y + 2 इक्वेशन को निकाला है वो इक्वेशन दो ऑप्शंस में आ रही है। इसका मतलब क्लियर है कि आपको दूसरी इक्वेशन भी बना के देखनी पड़ेगी, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये इक्वेशन वाले सिंगल ऑप्शन में डालते तो हमारा वो ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कैसे करना है। चलिए अब हम लोग सेकेंड केस की तरफ पढ़ते हैं। अब बोलेंगे however 4 is subtracted from both numerator and denominator। हम लोग क्या करेंगे, numerator और denominator दोनों से 4 को माइनस कर दिया जाए, subtract कर दिया जाए, तो हमारा जो फ्रैक्शन बनता है वो 1/2 आता है। ये भी बेटा बिल्कुल सही है, आपसे कहा गया फ्रैक्शन जो होता है वो 1/2 बनता है। कब बनता है, जब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 4 को माइनस करेंगे। बिल्कुल आप सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 4 हो जाएगा और इधर आपका क्या जाएगा, y - 4। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा y - 4, तो ये 2x माइनस वाई, क्योंकि वाई इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 8 उस साइड जाएगा प्लस में, माइनस 4, तो फाइनली आ जाएगा आपका इजिक्वल्स टू 4। तो आप देख पा रहे होंगे 2x माइनस 4 इजिक्वल्स 2x माइनस वाई माइनस 4 इजिक्वल्स टू 0। तो देर आर टू इक्वेशंस विच रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, है ना। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने का हमको बता दिया गया कि पहला इक्वेशन आया 5x - 4y + 2 = 0 एंड सेकेंड आया 2x - वाई - 4 = 0। तो आप देख सकते हैं ये, अब देखो क्या है, इसमें पहले वाले ऑप्शन में पहली इक्वेशन तो सही है लेकिन सेकंड इक्वेशन का x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, लेकिन आपकी जो इक्वेशन आई है वो है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका, वो बेटा क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड में क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके के आपके एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी में, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है ना। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी है इसी टाइप का है, इसको देख लेते हैं। देखिए ध्यान से। हाँ देखो बेटा इसमें इन्होंने बताया, क्वेश्चन में कहा गया है कि अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, अपने गांव के एक मेले में जाती है, फिर कह रहे हैं शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द गेंट व्हील, कोई गेम का नाम है, एंड प्ले हुपा। आप लोग जानते होंगे, हम तो इस गेम के बारे में नहीं कभी सुना, बट आप जान लेते कि दो टाइप के गेम वो प्ले कर रही है। पहला आपका क्या है, ऑन द गेंट व्हील है, और दूसरा क्या है, प्ले हुपा है। इफ ईच राइड कॉस्ट, इफ ईच राइड कॉस्ट 3 rupees एंड अ गेम ऑफ द हुपा कॉस्ट 4 rupees, then say it spend 20 rupees. The linear equation to represent this condition is, बहुत ध्यान से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। दो टाइप के गेम है, इन्होंने क्या बताया कि जब वो दो टाइप दोनों गेम को वो प्ले कर रही है, ठीक है ना, तो जो फर्स्ट गेम को वो प्ले कर रही है ना, और उसके बाद सेकेंड गेम को, तो जब फर्स्ट चांस में क्या कर रही है कि फर्स्ट गेम को जो प्ले कर रही है तो उसकी कॉस्ट बेटा कितनी है, 3 rupees है। उसके बाद में क्या कर रही है कि जो दूसरा गेम है हुपा, उसको जो प्ले करती है तो वन टाइम में कितना दे रही है, 4 rupees दे रही है, और दोनों को मिला करके हमें 20 rupees देने हैं। तो इसका मतलब है, मैंने आपसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ टाइम्स प्ले गेम फर्स्ट बी एक्स, है ना, उसके बाद में नंबर ऑफ टाइम्स प्ले गेम सेकेंड, आपके दो गेम में मेरे गेम के नेम नहीं लिखे, है ना। इन्होंने बताया कि जो जो आपका गेम है, जो पहला गेम है उसको एक्स बार खेला जाता है, और जो दूसरा गेम है उसको बाई टाइम्स खेला जाता है, बाई बार खेला जाता है ना, तब इक्वेशन कैसे बनेगी। अब बेटा देखो, जब फर्स्ट बार में खेलती है तो उसको 3 rupees देने पड़ते हैं पहले गेम के लिए। अब जब फर्स्ट गेम को वो एक्स टाइम खेलती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 x ₹ दे रही होगी, बिल्कुल क्लियर ना। उसके बाद जब वो हुपा को खेलती है तो, सॉरी बेटा, तो हुपा जो है वो क्या कर रही है, बाई टाइम्स खेल रही है, और वन टाइम में प्ले करने का जो उसको कॉस्ट देना पड़ता है वो 4 rupees देना पड़ता है। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4 आए, दोनों को प्लस करने के बाद ही तो वो 20 rupees दे रहा होगा, बस आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा बेटा सही हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा ना, 3x + 4y = 20। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने आई होप समझ में आया होगा, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, मान ली इस क्वेश्चन में जैसे कि क्या, अब इसमें कंडीशन एक ही दी है, तो इसमें एक्स और वाई हम लोग फाइंड नहीं कर पाए, है ना। जब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, थोड़ा सा और इसमें दिया जाएगा एक्स्ट्रा, दो कंडीशन हो जाएंगे, तब हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3x - y = 3, 9x - 3y = 9 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में, आप लोग देख लेना। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जा चुका है। अब उसके बाद इसको भी क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2 एंड विदाउट ड्रॉइंग देम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको भी मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं क्लास में, है ना। तो आप ध्यान देंगे, अब ध्यान दीजिए बेटा, अब ये क्वेश्चन आता है, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, अब देखते हैं कैसे करता है। कह रहे हैं इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, बहुत ध्यान से देखें, मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट के आपके पास सिर्फ दो ही केस हैं, कौन कौन से हैं, मैंने बताया कि a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है, तब इस कंडीशन में आपका ओनली वन सोल्यूशन मिलता है। उसके बाद मैंने एक केस बताया था कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल हैं, तो इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको मिलते हैं, कितने बेटा मिलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं ना। तो आपके अब कंसिस्टेंटी सिर्फ दो ही केस में होती है, ध्यान देना इस चीज के लिए। अब आप देख लें, देन द लाइंस विल बी, तो लाइंस क्या पैरेलल होंगी,
अरे भैया लाइन पैरेलल होंगी तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, और से तो सोल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत है। कह रहे ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज कोइंसिडेंट का मतलब है दूसरा वाला केस, तो पहला वाला केस कहां चला जाएगा, वो भी तो हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, अब हाँ बिल्कुल कोइंसिडेंट है ना, तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों हो सकते हैं, दोनों के केस में कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, हमेशा इंटरसेक्ट करेगा, नहीं, कोइंसिडेंट के साथ में इंटरसेक्ट नहीं करता है, ओवरलैप लाइन करती है, तो इसलिए उसमें अनंत सोल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें भी ये तो बहुत आसान है, तो आप आराम से देख सकते हैं, तो डायरेक्ट कंडीशन दे रखी है। अब इन्होंने क्या बताया, कह रहे हैं इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कोई भी लाइन जो है वो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, देन दैट पॉइंट गिव्स द यूनिक सोल्यूशन, वो पॉइंट जो है यूनिक सोल्यूशन को देता है, बिल्कुल सही बात है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही सोल्यूशन होगा ऑफ द टू इक्वेशंस, है ना। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, तो हमने बताया कि अभी इससे पहले यूनिक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, बात खत्म हो गई, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं। चलिए ये भी देख लीजिए, हाँ अब आते हैं इसमें, अब इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कंपेयर करना पड़ेगा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का सिर्फ एक केस है, इनकंसिस्टेंट का ओनली आपके पास वन केस है, मैंने बताया कि ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इन दिस केस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इट मींस दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यू कैन से इन दिस केस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशंस गिवन है पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम इस वन बाई वन चेक करना पड़ेगा बेटा, इसको ऐसे लिख लिया और आप इसको चाहें तो इसको x माइनस वाई अपॉन थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो आप इसको ले सकते हो, है ना। तो क्या होता है a1 अपॉन a2, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना, इसको लिख सकते हैं यहाँ बेटा 3x माइनस वाई माइनस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, थ्री आपका जीरो में चला जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो 3 अपॉन 3 वन आएगा, माइनस वन अपॉन माइनस वन वन आएगा, अब हम माइनस नाइन अपॉन माइनस नाइन, ये भी क्या आएगा, तीनों के तीनों इक्वल हो गए, जब तीनों के तीनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन आपके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे इसका मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन आपका कैसा हो गया, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो गया। ये क्या कह रहे हैं, इनकंसिस्टेंट कह रहे हैं, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पे आएंगे, अब ध्यान दीजिए बेटा 4x plus 3y, तो यहाँ पर क्या है a1 कितना है 4 है, इधर आपका a1 कितना है माइनस 2 है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 है ना, माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद में इसका कॉफिशियंट कितना है 3 है, इसका कॉफिशियंट कितना है बेटा 3 है, बिल्कुल अभी बंद करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब देखो बेटा a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, it means that unique solution के केस में सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा 5 upon 10 हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 5 है, इधर 10 है, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 by 2, तो ये आपका कितना हो गया 1 by 2। फिर b1 upon b2 this is minus 1 upon minus 2, ये भी आपका कितना 1 upon 2 आ गया। फिर इधर आपका कितना हो जाएगा माइनस टेन अपॉन माइनस ट्वेंटी, ये आपका कितना हो गया 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 हो गया। तो तीनों के तीनों इक्वल आ गए, कंसिस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके तो आज हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको एक मेथड भी बताया गया, तो आज की क्लास बहुत अच्छी है, और अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हो सके, है ना। तो इसी तरीके की वीडियोस लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे और ऐसे मिलते रहेंगे, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।